करें न्यूज़ नेटवर्क टुडे, मैं जावेद अंसारी समीम सौदागर के साथ। 8 दिसंबर को किसानों ने कृषि बिल के विरोध में भारत बंद का ऐलान किया था, उसी को लेकर रीवा में भी बंद कराया गया। हम इस समय मौजूद हैं रीवा के शिल्पी प्लाजा, या यूं कहें सबसे बड़े बाजार में। यहां का नज़ारा मैं आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाऊं। इस समय मिला जुला असर माना जा सकता है, कुछ दुकानें बंद कुछ दुकानें चालू। जब भी यहां पर एक काफिला आता है दुकान बंद कराने वालों का, तो शटर गिर जाते हैं। जैसे ही वो काफिला आगे बढ़ता है, दुकानें फिर से खुल जाती हैं। इस तरीके से माना जा सकता है बंद का मिला जुला असर। वहीं रीवा के अलग अलग कोनों में किसान अपनी अपनी मांग को लेकर बैठे रहे। कुछ ऐसा ही नज़ारा आज देखने में नज़र आया मंडी में, जहां पर थे जब मंडी से किसानों का काफिला रीवा शहर की ओर चला ज्ञापन देने के लिए, उसी दौरान बैरिकेड्स लगाकर प्रशासन ने उनको रोकने की कोशिश की। ट्रैक्टरों का काफिला था, किसान जुलूस की शक्ल में थे। बैरिकेड्स को किसानों ने तोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास किया, फिर भी प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए भारी पुलिस फोर्स को बुलाकर उनको रोक लिया। जी हाँ, उसी दौरान कुछ किसान उत्तेजित हो गए। उनका कहना था, मुझे डीजल पेट्रोल दे दिया जाए, मैं आत्महत्या कर लूँगा, मैं किसान पुत्र हूँ, मुझे ज्ञापन देना है। आइए आपको दिखाते हैं दिन भर के घटनाक्रम को किस तरीके से घटा। ज्यादा विषम परिस्थिति का सामना कभी नहीं किया है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों के, और ना केवल हिंदुस्तान के बल्कि विदेशों के भी उद्योगपतियों के कहने पे किसानों का दमन कर रही है। नरेंद्र मोदी जी को शर्म नहीं आती है, जिस रोटी को वो खाते हैं उस अनाज को पैदा करने वाले लाखों की संख्या में वहाँ दिल्ली की ठंड में मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर वो आके वहाँ आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को समय नहीं है कि वो किसान से बात करें। किसानों ने, देश के किसान ने दो टूक बोल दिया है कि जो 3 काले कानून केंद्र सरकार लेकर के आई है उसको वापस लिया जाए। अगर वापस नहीं लिया जाता है तो इसी तरह से आंदोलन, आज तो एक दिन बंद हुआ है, सरकार घुटनों पे आ जाएगी, सिस्टम बंद हो जाएगा, क्योंकि बिना रोटी के देश नहीं चल सकता, और अन्नदाता के साथ इस तरह का न्याय केंद्र सरकार और राज्य सरकार नहीं कर सकती। मेरा शिवराज सिंह चौहान जी से एक प्रश्न है कि आप पाले के किस तरफ खड़े हुए हैं, आपके अंबानी और अदानी के पाले में खड़े हुए हैं या सड़क पे मरते अन्नदाता के साथ खड़े हुए हैं? किसान पुत्र का ढोंग करने वाले शिवराज सिंह चौहान जी से मैं पूछता हूं, अगर वो किसान के साथ हैं तो क्या वो सदन में इसकी निंदा करेंगे और इसके खिलाफ एक अध्यादेश लाएंगे या नहीं लाएंगे? ये मेरा प्रश्न है शिवराज सिंह चौहान जी से। सब किसान यहाँ पे रुके हुए हैं, किसानों के ट्रैक्टर को रोक दिया गया है, बैरिकेड्स बना दिए गए हैं। आप देख रहे हैं,
ये गलत है, हम लोग ज्ञापन नहीं दे सकते, बताइए नहीं हम, ये गलत है, ये गलत है, ये बहुत किसानों के साथ ऐसा होता है, राजन शुक्ला के साथ ऐसे कोई कर सकता है? नहीं, हम आपसे बहन हाथ जोड़ते हैं, कमिश्नर जी ज्ञापन देने दीजिए, नहीं हम लोग गोली मरवा दीजिए आप, ये किसानों के बच्चे तो हैं, मार दें गोली, हम लोगों को मार दीजिए गोली, नहीं तो हम लोग आत्महत्या कर ले, हम निकालते हैं डीजल का बनाते हैं। सब लोग सहमत हैं कि छोटी पुल के पहले हम आपको ज्ञापन देना चाहते हैं, शांति पुल देना चाहते हैं, आप हमको वहाँ ले चलिए, आप वहाँ बैरिकेड वगैरह जो लगाना लगाइए, हमको जाने की जरूरत नहीं है, आप हमारा ज्ञापन लीजिए, हमको छुट्टी। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने मेजबान ज़ीशान जावेद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।